गुमला जिला के रायढ़ी प्रखंड में मैं और मेरा समुदाय रहता है, जिसमें रायढ़ी प्रखंड के मरियम टोली और सरना टोली के बीच बहने वाली शंख नदी में अधूरे पुल के कारण लगभग 19 से 20 हजार जिंदगियां टापू में रहने में बेबस है। हर बरसात में अधूरे पुल के कारण 4 महीने तक ग्रामीण अपने गांव में फंसे रहते हैं। बच्चों को विशेषकर स्कूल आने जाने में बहुत असुविधा होते हैं। अगर वो लोग ज़्यादा पानी हो जाता है तो भींगे गीले कपड़ा में ही अपना स्कूल जाते हैं और दिन भर गीले कपड़ा में रह जाते हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ जो है सो पोस्ट ऑफिस है और दूसरे काम के कोई भी लोग जो है सो आना चाहिए वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो सारी सुविधा से हम लोग वंचित रह जाते हैं। आज जो है सो माँ बहन कोई बीमार पड़ गया तो छत्तीसगढ़ होके जाना पड़ता है। जो अधूरा पुल था ये कब से ऐसे ही पड़ा हुआ था? ये 9-10 साल करीब मतलब लग गया बनने में। ये सामूहिक संवाददाता आए थे हम और वीडियो के माध्यम से हम लोगों से इंटरव्यू लिए और उन लोगों को हम लोग अपनी परेशानी को बताए तो वो लोग वीडियो के द्वारा मतलब कि मैंने प्रशासन को दिखाए और उनके द्वारा ये पूरा होने पूरा किए, उनके माध्यम से मतलब हम लोग का अधूरा काम पूरा हुआ। वही नाव में पार होते थे और थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाता था तो नाव में भी माने चढ़ने लायक नहीं होते थे, तो हम लोग का जो भी काम होता था इधर का वही ज़्यादा माने परेशानी हो जाता था हम लोग। जिला प्रशासन के पास हम लोग गए थे, जिला प्रशासन के माध्यम से मतलब एक वहाँ पर हम लोग अपना इसको दिए कि माने जल्दी नहीं बन पा रहा है, इसके माध्यम से बहुत सारा काम हुआ। जब पुल बना तो हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ मरियम टोली में गाड़ी उतरने के बाद सीधे हम लोग पानी में बिना घुसे घर पहुँच जाते हैं, बहुत खुशी खुशी पुल के ऊपर से। शाम हो जाए चाहे रात हो जाए हम लोग अपना घर सुरक्षित पहुँच जाते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से यह कार्य सफल होने पाया और 50 गांव को फायदा पहुंचा रहा है। मैं प्रमिला एक्का, जिला गुमला, झारखंड, इंडिया अनहर्ड के लिए।